प्रवर्तन निदेशालय के एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की टीम उनके घर पहुंची है। संजय राउत को हिरासत में लिया जा सकता है। राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है। दरअसल महाराष्ट्र के 1,000 करोड़ से ज्यादा के पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही है। उन्हें 27 जुलाई को ईडी ने तलब किया था, हालांकि वो अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे हैं। ये मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा है। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1,034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ रुपए और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। आरोप है कि रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण राउत ने पात्रा चौल में रह रहे लोगों से धोखा किया। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भूखंड पर 3,000 फ्लैट बनाने का काम मिला था। इसमें से 632 फ्लैट पहले से यहां रहने वालों को देने थे, शेष MHADA और उस कंपनी को दिए जाने थे। लेकिन साल 2011 में इस विशाल भूखंड के कुछ हिस्सों को दूसरे बिल्डरों को बेच दिया गया था। दरअसल वर्ष 2020 में महाराष्ट्र में सामने आई PMC बैंक घोटाले की जांच हो रही थी, तभी प्रवीण राउत की कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सामने आया था। तब पता चला कि बिल्डर की पत्नी के बैंक खाते से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि संजय राउत ने इन्हीं पैसों से दादर में एक फ्लैट खरीदा था। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक PSL बिल्डर का घोटाला हो, माफिया गिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से NDA सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा।